थंबनेल में आपने जो भी देखा है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि लिटरली गाइस इसे परचेज करने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था एंड उसके रीजंस क्या हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। बट फर्स्ट, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पार्क एवेन्यू हरक्यूलिस। तो ये है पार्क एवेन्यू हरक्यूलिस लिक्विड बॉडी स्प्रे एंड इसके डिसअपॉइंट करने के रीजंस को बताने से पहले बात कर लेते हैं इसकी बॉडी पैकेजिंग के बारे में। इसकी बॉडी एंड स्प्रेयर एल्युमिनियम से बने हैं बट इसका कैप प्लास्टिक की है एंड स्पेशली इसका स्प्रेयर डिजाइनर परफ्यूम्स के स्प्रेस के जैसा ही स्मूथ एंड एक्यूरेट स्प्रेस को छोड़ता है, जो कि काफी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एंड ये 100% लिक्विड परफ्यूम है, ये गैस वाला डिओड्रेंट नहीं है एंड इसे हाथ में पकड़ने पर काफी प्रीमियम फील होता है, विच इज वेरी नाइस। अगर बात करें इसके नोट्स एंड फ्रेग्रेंस के बारे में तो टॉप नोट में आपको काफी घटिया सी शार्प ओपनिंग मिलेगी बाय अल्कोहलिक इफेक्ट एंड बर्गीमोट्स। मिडिल नोट में आप सिनेमन यानी दालचीनी एंड लिली फ्लावर्स की स्मेल को आप स्मेल करेंगे एंड अलोंग विद लौंग के नोट को भी आप स्मेल करेंगे एंड बेस नोट में आप इलॉन व्हाइट मस्क की स्मेल को आप स्मेल करेंगे। ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस काफी मस्की, बिटरी एंड शार्प डार्क टाइप की फ्रेग्रेंस है। अगर बात करें इसके प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी की तो इसका प्रोजेक्शन 1 मिनट से भी कम है, मतलब ना के बराबर है। इसकी लॉन्जिविटी की बात करें तो आपके स्किन और कपड़ों पर 15 मिनट से भी कम लास्ट करती है। एंड गाइस, यही मेन चीज है एंड रीजन है मेरे डिसअपॉइंट होने का। और ये डिओड्रेंट टीनेजर्स के लिए नहीं है, जो लोग 40 या 50 के एज में है तो ये उन्हें सूट करेगा। अगर बात करें इसके क्लोन्स एंड अल्टरनेटिव्स की तो इसकी स्मेल YSL का Y मींस ईव सेलेरॉन की जैसी है, नॉट एग्जैक्टली, दोनों में काफी डिफरेंस है। ईव सेलेरॉन काफी स्मूथ एंड जेंटल स्मेल करता है एज कम्पेयर टू दिस एंड ऑब्वियसली वो एक महंगा डिजाइनर परफ्यूम है। अगर इसकी बात करें तो ये काफी हार्श एंड ओवरपावरिंग है एंड इसकी स्मेल सबको नहीं पसंद आती है, विच मींस हर किसी को इसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी, इवन इसे कोई पहली बार ही क्यों ना स्मेल कर रहा हो। वंस अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ईव सेलेरॉन परफ्यूम एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर डियोस ऑफ पार्क एवेन्यू। एंड गाइस, इसे मैं रेटिंग्स दूंगा 2.5 stars फॉर इट्स गुड बॉडी क्वालिटी एंड स्प्रेयर एंड -2.5 stars फॉर इट्स प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी एंड फ्रेग्रेंस। एंड फाइनली गाइस, इस प्रोडक्ट के जरिए मैं पार्क एवेन्यू जैसे अच्छे ब्रांड को नेगेटिव एक्सपोजर नहीं देना चाहता। जेन्युइनली स्पीकिंग, उनके डिओड्रेंट्स को मैं यूज कर चुका हूँ एंड उनकी स्मेल बहुत ही अमेजिंग होती है, बट इस डिओड्रेंट से आप उतने एक्सपेक्टेशंस मत रखना बिकॉज ये हर किसी को भी पसंद आने वाला नहीं है, इवन कोई परफ्यूम के एक्सपर्ट भी क्यों ना हो तब भी। बट इसके बदले में आप पार्क एवेन्यू के दूसरे डिओड्रेंट्स को ले सकते हैं। तो गाइस, आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस डिओड्रेंट को परचेज करने के लिए बिकॉज आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। सो डोंट बाय इट एंड डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। It's Kevin Samroy. Peace.